नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग पहले से मुझसे जुड़े हुए हैं तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले हम लोगों ने बात की हुई थी जो यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस का आपका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जिसे आप लोग ऐतिहासिक परिदृश्य भी कह सकते हैं, ये पहली बार कब हुआ और पहला भारतीय कौन था जो सिविल सर्विस परीक्षा पास की हुई थी, और भी इस तरह के जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते रहते हैं, उन सभी के आंसर वहाँ आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो आप लोग मुझे बताइएगा, फिर भी मैं देने की पूरी क्वेश्चन एक तरह से आपके मन में इस तरह के जो भी क्वेश्चंस उठते हैं उनके आंसर देने की पूरी कोशिश रहती है हमारी। फिर आपने देखा होगा दूसरी क्लास, उसमें हम लोगों ने यूपीएससी यानी कि कहने का मतलब है कि जो संघ लोक सेवा आयोग है, इसके बारे में A to Z जानकारी हम लोगों ने देखी थी। और आप देखेंगे कि मुझे नहीं लगता है कि आप उस क्लास को देखने के बाद कहीं आपको भटकने की जरूरत पड़ेगी। बहुत ही साधारण शब्दों में, सरल भाषा में हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई है उसके बारे में। फिर आपने देखा है कि तीसरी क्लास हमने ली थी, आपके पैटर्न के बारे में बात की थी कि इसमें कितने पेपर होते हैं, कितने स्टेज में, कितने चरण में एक परीक्षा होती है, कितने घंटे का समय मिलता है, कितने नंबर का होता है, माइनस मार्किंग है या नहीं है, फाइनल मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनती है, इस तरह के और भी बहुत सारे आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस चलते रहते हैं उन सब के जवाब भी आपको उस क्लास में मिल जाएंगे। उसके बाद आपने देखा होगा कि हम लोगों ने प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा का जो दो पेपर होते हैं, जिनमें आप देखते हैं कि उनका हम लोगों ने पाठ्यक्रम देखा था, यानी जिसे आप लोग सिलेबस कहते हैं। अब बात आती है कि आप लोग जब प्रीलिम्स पास कर लेते हैं, पहला स्टेज आप लोग पार कर जाते हैं, तो फिर आती है मुख्य परीक्षा, जिसे आप लोग मेन परीक्षा कहते हैं। इसमें कितने पेपर होते हैं और इनका पाठ्यक्रम क्या है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। लेकिन आपको यहां बता दूं कि देखिए, आपका जो प्रारंभिक परीक्षा होता है जिसे आप लोग प्रीलिम्स कहते हैं, इसमें आपके दो पेपर होते हैं। पिछली क्लास में बता चुका हूं लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं। पहला पेपर आपका, जिसे आप लोग सामान्य अध्ययन के नाम से जानते हैं, दूसरा पेपर होता है जिसे आप लोग सी सेट के नाम से जानते हैं। तो जो आपकी मुख्य परीक्षा में पहुंचने की मेरिट लिस्ट बनती है वो पहले पेपर के आधार पर बनती है, दूसरे पेपर में केवल आपको 33% नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए। और आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आएगा कि पहले पेपर में कितने नंबर होना चाहिए तो आप पास कर जाएंगे, या कितने क्वेश्चंस आपके सॉल्व सही होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि 100 क्वेश्चंस रहते हैं, इनमें से कितने क्वेश्चंस सही होना चाहिए जिससे आप लोग मुख्य परीक्षा में पहुंच पाए। तो आपको बता देता हूं कि अगर आप अगर जनरल से आते हैं तो आपके अगर 49 से 50 क्वेश्चंस पहले पेपर में सही होते हैं तो आप मुख्य परीक्षा में पहुंचने का सफर क्लियर है आपका, पहला स्टेज आप पार कर जाएंगे। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 48-49 क्वेश्चंस आपके होना चाहिए। ये मैं औसत बता रहा हूं, एवरेज बता रहा हूं, लेकिन आप देखेंगे कभी 2-4 क्वेश्चंस आगे, 2-3 क्वेश्चंस आगे भी जा सकता है या और नीचे भी जा सकता है, पेपर किस तरह का आता है उस पर डिपेंड करेगा। और अगर आप लोग एससी से हैं यानी कि अनुसूचित जाति से, तो अगर आपके 41-42 क्वेश्चंस सही होते हैं तो आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेंगे पहले पेपर में। और अगर एसटी से हैं आप, अनुसूचित जनजाति, तो इसमें आप देखें कि 39-40 क्वेश्चंस आपके सही हैं तो आप मुख्य परीक्षा में पहुंच जाएंगे। और आपको बता दिया था कि ये दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं,
जो आपका सामान्य अध्ययन का और सी सेट है। अब एक बात और, आपके दिमाग में कई बार सवाल आता रहता है और कई लोगों ने पूछा भी है कि प्रारंभिक परीक्षा के पेपर देने के बाद कितने टाइम कितना समय मिलता है मुख्य परीक्षा के लिए। तो आपको बता दूं कि जैसे आप मान लीजिए कि आपने पेपर दिया है, जैसे आप देखते हैं कि जनवरी फरवरी में आपका नोटिफिकेशन आ जाता है और आप मान लीजिए कि जून में जून जुलाई में आपका पेपर हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि सितंबर अगस्त सितंबर में आपकी मुख्य परीक्षा होगी, यानी कि आप कह सकते हैं कि लगभग 3 महीने का आपको टाइम मिलेगा, यानी कि प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के बीच कितना समय आपके पास रहेगा, लगभग 3 महीने का। उसके बाद याद रखिए आप लोग कि मुख्य परीक्षा पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास 3 महीने का लगभग समय ही रहेगा, 3 ढाई 3 महीने, 3.5 महीने हो सकता है, ठीक है, ये आपके इंटरव्यू के लिए रहेगा, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब बात आती है हमारी किसकी, मुख्य परीक्षा की। तो आपने प्रीलिम्स निकाल लिया है, अब आप पहुंचेंगे मुख्य परीक्षा में। अब आपके दिमाग में आएगा कि सबसे पहले कौन सा पेपर होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका एक निबंध होता है, एक आप देखते हैं कि अंग्रेजी में आपका पेपर होता है, एक आपका क्षेत्रीय भाषा में होता है, फिर आप देखते हैं कि आपके 4 पेपर जीएस के होते हैं, एक दो पेपर आप देखते हैं कि विकल्प ऑप्शनल पेपर के होते हैं। तो सबसे पहले आपका निबंध होगा, पहला प्रश्न पत्र निबंध का होगा, किसका होगा, निबंध का होगा। उसके बाद आपको बता दूं कि उसके बाद आपका होगा, जैसे मान लीजिए कि 1 तारीख को, किसी भी 1 तारीख को, किसी भी महीने की 1 तारीख को आपका निबंध का पेपर है, फिर अगले दिन 2 तारीख को आप देखेंगे कि आपका जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड पेपर होगा, एक ही दिन में 2 पेपर होंगे, फिर अगले आप लोग देखें 3 3 तारीख को आपके पेपर 4 और पेपर 5, यानी कि अगले तीसरे दिन आपके 2 पेपर होंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे ऐसे ही खत्म हो जाता है आपका जीएस पेपर, जनरल स्टडीज का पहला पेपर खत्म हो जाता है, दूसरा पेपर खत्म हो जाता है, तीसरा पेपर खत्म हो जाता है और चौथा पेपर आपका खत्म हो जाता है। फिर आप देखेंगे कि आपको कुछ गैप मिल जाएगा, फिर आप देखेंगे अगले वीक के लगभग आपको आप देखेंगे पेपर ए, जिसे आप देखते हैं कि इंडियन जो भी भारतीय भाषा आप लोग चयन करते हैं, हिंदी, बंगाली, बोडो, डोगरी, इस तरह की आप लोग देखते हैं, जो 8वीं अनुसूची में देखते हैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। तो आप देखेंगे एक ही दिन में आप देखेंगे कि दोनों पेपर हो जाएंगे, एक तो आपका हिंदी का, मान लीजिए हिंदी है आपकी क्षेत्रीय भाषा, आप लोगों ने चुनी हुई है हिंदी, और इंग्लिश तो अनिवार्य रहता है, तो इंग्लिश का एक ही दिन में दोनों पेपर एक खत्म हो जाएंगे। फिर आप देखेंगे कि अगले दिन, उसके अगले दिन की बात कर रहा हूं, आपके ऑप्शनल में आप जानते हैं कि 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल में, मान लीजिए आपने हिस्ट्री ली हुई है तो पेपर 1 और पेपर 2, इस तरह से 2 पेपर होंगे, वो एक ही दिन में आपके दोनों खत्म हो जाएंगे। इस तरह से आप देखेंगे कि ये एक तरह से नॉर्मल बता रहा हूं कि आपके 5 दिन में सभी पेपर खत्म हो जाते हैं, 5 दिन में आप देखेंगे 5 दिन में आपकी मुख्य परीक्षा क्लियर। अगर बीच में कुछ गड़बड़ी होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो अलग अलग हो सकता है, देखिए अभी, लेकिन आप 2018 को देख लीजिए, 2019 को देख लीजिए, 2020 को देख लीजिए आप लोग, अभी तो आप लोगों को यही देखने को मिलेगा लक्की लगभग आपके 5 दिन में पूरा कंप्लीट, लगातार 5 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल 5 दिन में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका निबंध का पेपर होगा, तो आज हम लोग निबंध के बारे में बात कर लेंगे, फिर कल हम लोग क्या करेंगे, आपके जीएस पहला पेपर और जीएस सेकंड को देख लेंगे, इस तरह से हम लोग एक एक करके सभी को देख लेंगे। तो इसमें आप देखेंगे निबंध की अगर हम बात करें
तो उम्मीदवार को एक विनिर्दिष्ट विषय पर निबंध लिखना होगा और विषयों के विकल्प दिए जाएंगे आपको, और उनसे आशा की जाती है कि अपने विचारों को निबंध के विषय के निकट रखते हुए क्रमबद्ध और संक्षेप में लिखें, और प्रभावशाली एवं सटीक अभिव्यक्तियों के लिए श्रेय दिया जाता है। और आपको बता दूं, जो निबंध होता है आपका कितने नंबर का होता है निबंध? आप सभी जानते हैं कि निबंध आपका 250 नंबर का होता है, और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। कितना? 3 घंटे का समय मिलता है, ठीक है? तो ए नंबर आपके जो फाइनल लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट, उसमें आपके जोड़ते हैं, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? और इसमें आप देखेंगे कि निबंध का प्रश्न पत्र मुख्यतः 2 भागों में होता है, और इसमें मूर्त एवं अमूर्त रूप में, और प्रत्येक भाग में आप देखेंगे 4 विकल्प आपको देखने को मिलेगा, और इसमें आप देखेंगे प्रत्येक निबंध आपका 125 नंबर का रहेगा, और प्रत्येक निबंध के लिए निर्धारित समय सीमा लगभग आप देखेंगे 1000 से 1200 शब्द आपको लिखना होगा। अब यहाँ आप लोग एक बार क्या करिए, आप लोग देख लीजिएगा निबंध को। देखिए, ये 2020 का आपका निबंध का पेपर है, ऐसे का। इसमें आप देखेंगे कितना पूर्णांक रहेगा, 200 नंबर, 250 नंबर का रहेगा। 3 घंटे का टाइम मिलेगा इसके लिए, ठीक है? और इन्हें डाउनलोड करके इन पेपरों को आप लोग पढ़ते रहा करिएगा। इसमें आप देखिए खंडे, इसे भी पढ़ लीजिए। निम्न खंड ए और बी में से एक विषय चुनकर 2 निबंध लिखना है आपको, जो प्रत्येक लगभग आप देखेंगे 1000 से 1200 शब्दों का होगा, और 125 नंबर का एक निबंध रहेगा, और 2 आपको लिखना है, तो टोटल आपकी 250 हो जाएंगे। ये 2020 का है बता रहा हूँ मैं। एक खंड सेक्शन ए में देखिए आप लोग, आपको 4 विकल्प दिए गए, एक तरह से इनमें से एक टॉपिक आपको चुनना है। मनुष्य, पहला था आपका मनुष्य होने और मानव बनने के लिए बीच का लंबा सफर ही जीवन है। फिर आप देखेंगे दूसरा आपके पास विकल्प रहेगा, विचार परक संकल्प स्वयं की शांत चित्त रहने का उत्प्रेरक है। तीसरा आया आपका जहाज अपने चारों तरफ के पानी की वजह से नहीं डूबा करते, जहाज पानी के अंदर समा जाने की वजह से डूबते हैं। फिर आप देखते हैं सरलता चरम परिष्करण है। इनमें से 4 ऑप्शन में से आपको एक निबंध, एक टॉपिक पर निबंध लिखना है, किसी भी टॉपिक पर आप लोग इन 4 में से लिख सकते हैं। फिर आप देखेंगे इसी तरह खंड आपके पास बी होगा, जिसे सेक्शन बी भी कह सकते हैं। ए भी आपका 125 ही नंबर का रहेगा, और इन 4 विकल्प में से एक आपको लिखना है। जो भी आपको अच्छे से आता है उसे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला आप देखेंगे इसमें आपका जो हम हैं वह संस्कार, जो हमारे पास है वह सभ्यता है। अगर ये आता है तो ये आप लोग चुन सकते हैं, बाकी 3 को छोड़ दीजिए। अगर नहीं आता है तो अगला देख लीजिए। बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता है, किंतु बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक है। अगर ये भी नहीं आता है तो अगला देख लीजिए। पित्त सत्ता की व्यवस्था नजर में बहुत कम आने के बावजूद सामाजिक विषमता की सबसे प्रभावी संरचना है। अगर ये भी नहीं आता है तो अगला एक और ऑप्शन है आपके पास। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में प्रौद्योगिकी, इनमें से 4 में से आप लोग एक चुन सकते हैं। तो ये कहानी है आपके निबंध की। यही कुछ पॉइंट बता देता हूँ कि आखिर निबंध किस तरह से आप लिख सकते हैं। वैसे टाइम मिलेगा तो हम लोग एक पूरी क्लास ही इस पर आप लोगों की रख देंगे, और बड़े विस्तार से हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से आपको लिखना चाहिए। तो वैसे आपको बता दूं कि ऐसे निबंध लिखने के लिए आपको सबसे पहले तो शब्दों की चयन प्रक्रिया मालूम होना चाहिए, सही शब्द उपयोग करना आना चाहिए, जिसमें आप देखिए भाषा सरल हो, स्वाभाविक सी हो, और आपकी जो शब्द आप लोग लिख रहे हैं या जो भाषा आप लोग उपयोग कर रहे हैं वो संविधानिक होनी चाहिए। भारी भरकम शब्दों का उपयोग ना करें, आप लोग आराम से सरल शब्दों का उपयोग भी कर सकते हैं। और याद रखिए, अगर आप लोग निबंध लिखते हैं तो उसमें बीच बीच में आप देखते हैं कि महापुरुषों के आपके जो कथन होते हैं, वक्तव्य होते हैं, उन्हें भी आप लोग डाल सकते हैं। ऐसे क्या रहेगा कि काफी प्रभावकारी आपका निबंध हो जाएगा।
आप देखिए पर्यावरण पर आप लोग लिख रहे हैं निबंध, तो पर्यावरण पर गांधी जी ने क्या कहा था, और भी किसी महान पुरुष ने अगर उस पर कोई वाक्य दिया है या शब्द दिया है या इस तरह के कथन दिए हैं, तो उन्हें भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं उसमें, ठीक है। या फिर आप देखिए कि आपके कोई इंटरनेशनल या सरकारी सर्वे है, उन पॉइंटों को भी आप लोग शामिल कर सकते हैं। इस तरह के आप लोग याद रखिए, और इसीलिए हम कहते हैं आप लोगों से कि पत्रिकाएं पढ़ें, आप लोग पत्रिकाएं पढ़ें, जिसमें आप देखिए योजना हो गया, आर्थिक सर्वेक्षण आते रहते हैं। आपसे कहते हैं कि कॉलम और लेख जो आते हैं एडिटोरियल, उन्हें भी पढ़ते रहें आप, अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ते रहें। और स्टेटस आप देखिए कि कई लोगों, मतलब महात्मा गांधी से संबंधित हों, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित हों, किसने क्या किस बारे में क्या कहा है, उन्हें आप लोग पढ़ते रहें। अब देखिए आप लोग अगर महिलाओं पर निबंध लिखने के लिए आता है, तो महिलाओं के बारे में कोट्स कई विद्वानों ने कहा है, कई महान पुरुषों ने कहा है, उन्हें भी आप लोग वहां डाल सकते हैं। और याद रखिए, आप देखिए कि आप लोग लोकसभा राज्यसभा टीवी भी सुनते रहते थे, और इस तरह के जो भी प्रोग्राम होते हैं, बहस होती है, उन्हें आप लोग सुना करिएगा। इससे क्या रहता है कि आपकी सोच विकसित होती है, और जब आप लोग आंसर लिख रहे हो या निबंध लिख रहे हो, तो बड़े अच्छे अच्छे आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे, तो उन थॉट्स को आप लोग डाल सकते हैं। तो यही कला होती है निबंध लिखने की, समझ में आए। और भी अगर आपको लगता है कि कुछ आपके पास भी पॉइंट है, तो आप लोग नीचे बताइएगा, और आने वाले समय में हम लोग क्या करेंगे, एक पूरी क्लास ही आपकी निबंध पे रख देंगे, और सभी बताएंगे कहाँ से आप लोग किस तरह से कौन सी बुक्स ले लेनी चाहिए आपको, क्या ले लेने चाहिए, तो इस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। चलिए, इतना क्लियर है आप लोग, और आगे हम लोग मिलेंगे, आगे जो भी आपके पेपर होंगे, दो पेपर, उन पर हम लोग बात करेंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, जो आपका सामान्य अध्ययन का है, जनरल स्टडीज का।